अरे तुलसी बिटिया, कहाँ हो? क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी अम्मा कहाँ है? सो रही है क्या अभी तक? चलो मंचली, हम तुमका बांध दे और चारा भी दे दे। चिल्ला क्यों रही हो? अभी तो तुमको चारा के लेके आए हैं। लगता है पापूजी आ गए हैं। जल्दी से जाके उनको चाय वाय दे देती हूँ, पी ले जल्दी से। इतना सुबह सुबह मंचली को चरा लाए हैं। जल्दी जल्दी काम पूरा कर लेती हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी झाड़ू मार लेती हूँ। मुन्नी तो उठ गई है मगर अम्मा तो अभी तक सो रही है। लगता है रात को बहुत ज़्यादा काम कर ली। मौसम तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो मेरा झाड़ू मारना तो हो गया है, अब जाके अम्मा को जगा देती हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अम्मा, अरे ओ अम्मा उठ जाओ, सुबह हो गई है। बापू भी गैया को चरा के आ गए हैं। चाय वाय अभी पियेंगे तो उठ के मेरी मदद कर दो थोड़ा सा। आज तो मुझको स्कूल भी जाना है। आधा काम तो हो गया है, अब अम्मा को जगा देती हूँ। रसोई का काम पूरा कर लेंगी फिर मैं अपने सहेलियों के साथ स्कूल चली जाऊंगी। अरे मुन्नी तुम तो आज बहुत ही जल्दी जाग गई हो, लगता है अपनी अम्मा को बहुत ही याद कर रही हो। जाओ देखो तुम्हारे मामा दूध निकाल रहे होंगे, जाके एक गिलास पी लो। देखो तुम्हारी मामी अभी तक सो रही है। अम्मा, अरे अम्मा उठो जल्दी, कितना सो रही हो, भोर हो गया है। चलो जल्दी से उठ जाओ अम्मा, जल्दी उठो। हाँ बिटिया उठ रही हूँ, आज तबीयत मेरी थोड़ी खराब लग रही है। चलो अम्मा काली चाय बना के रखी हूँ, पी लो आराम मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया की बिटिया तुम, जाके चाय पी लेती हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। कल तो मेरे विद्यालय का काम पूरा हो गया था, अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मेरी सहेलियाँ आ रही होंगी। का हुआ अम्मा, अब तबीयत कुछ ठीक हुई? काली चाय पी लिया कि नहीं? माँ सीमा पिंकी आ रही होंगी, उनके साथ पढ़ लेती हूँ घर में। सारा काम पूरा हो गया है, सिर्फ खाना पकाना रह गया था। अगर बना पाओ तो बना लेना वरना मैं आके बना दूंगी। हाँ ठीक है बिटिया, जाओ तुम पढ़ के आ जाओ जल्दी से। हाँ माँ मैं जाती हूँ। अरे पिंकी और सीमा तुम आ गए। अरे तुलसी तुम हमारे बिना जा रही थी? अरे नहीं पिंकी, मैं बस तैयार ही हो रही थी। पिंकी तुम्हारे विद्यालय का काम पूरा हो गया है? हाँ हो गया तुलसी। तुम बताओ सीमा, तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ पिंकी थोड़ा सा हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, सोचा तुमसे पूछ लूंगी। गणित का वही जो प्रश्न था वही बाकी है, तुम बता देना मेरे को। हाँ सीमा मेरा भी वही बाकी है। तुम दोनों बैठो पिंकी और सीमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। ठीक है तुलसी। कितना ख्याल रखती है तुलसी। चलो मैंने मक्खन निकाल लिया है, बची हुई दही का लस्सी बना देती हूँ। अरे दही तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये लो तुलसी, ये दही सीमा और पिंकी को भी दे आओ, दोनों पी लेंगी। कहो तो लस्सी बना दूँ इसका। नहीं अम्मा रहन दो, ऐसे ही दे दो, ये इतना ही स्वादिष्ट लगता है ऐसे ही। हाँ ठीक है बेटिया ले लो। चलो अब सबको ले जाके परोस देती हूँ, सब खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि तुलसी के सहेली भी आ गई, सब मिल बांट के खा लेंगे। चलो बिटिया लोग आ जाओ, मुन्नी कहाँ है उसको भी बुला दो और तुलसी के बापूजी को भी बुला दो, वो भी खा लेंगे। उनको भी दही बहुत पसंद है, हमेशा चाट से खाते हैं। चलो बिटिया लोग आ जाओ सब लोग। हाँ काकी मुझको भी दही बहुत ही पसंद है, ये तो तुम बहुत ही अच्छा की। हाँ सीमा मुझे भी बहुत ही पसंद है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अम्मा तुमने तो आज सबके पसंद का ही बना दिया, मैं जाके बर्तन लेके आ जाती हूँ। बापू आप भी आके बैठ जाइए और दही खा लीजिए। हाँ बिटिया मुझको तो दही बहुत ही पसंद है, क्यों नहीं खाऊंगा? और एक तो ये तुम्हारी अम्मा ने बनाया है, तब तो बिल्कुल ही खाऊं। दही तो तुलसी की अम्मा बहुत ही बढ़िया बनाती है, चलो मैं भी खा लेता हूँ।
अरे क्या तुलसी के बापू, आप भी ना। लो अम्मा, मैं ले आई बर्तन, सबको दे दो इसी में। हाँ बिटिया, लो खाओ, और चाहिए होगा तो और ले लेना, बहुत ही सारे हैं दही। हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर ले लेंगे। हाँ काकी, फ्री में मिल रहा है तो ले ही लेंगे। तुलसी की अम्मा ने दही बना के बहुत ही बढ़िया काम किया, सबका मन खुश हो गया। चलो अम्मा, हम सब विद्यालय जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। Thank you.